हर हर महादेव। दोस्तों, आज की हम आपको कहानी बताएंगे कि जीवन की जुड़ी बहुत ही अच्छी कहानियां लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छी अच्छी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव इस वीडियो में क्या बताते हैं, आइए उनके उपदेशों को हम अपनी बातों को समझाते हैं कि दुनिया में जो भी इंसान है उसको यह बात जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को मोटिवेट नहीं किया जा सकता तब तक वह इंसान जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको महादेव की कसम है, इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको रोजाना ही ऐसी मेहनत करके आपको मोटिवेशनल कहानियां बनाते हैं जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। आइए दोस्तों, बिल्कुल ना देर करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। महादेव कहते हैं, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि उसे तो वक्त का ही समझाता है। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारे इंसानों से मिले होंगे जो आपकी बातों को आसानी से समझते हैं, और जो आपको आसानी से समझते हैं वही इंसान सच्चा है और आप उसके लायक है। क्योंकि अगर आपको कोई नहीं समझता तो आप यह जान लीजिए कि वह आपके लायक नहीं है और आप उसका पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा गया है ना कि जिसके पीछे आप जितना भागेंगे वह उतना ही भगाएगा, सिर्फ मंजिल को छोड़कर, क्योंकि मंजिल के पास जितना भागेंगे आपको मंजिल और नजदीक आते हुए मिलेगी। परंतु जो अभिमानी व्यक्ति होता है वह आपको कभी नहीं समझ सकता, आपके लाख समझाने के बाद भी आपकी वह बुराइयां करता रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप इन इंसानों से दूर रहें जो आपको हमेशा निंदा करते हैं, उस इंसान के पास रहें जो आपकी बड़कत करता है। महादेव कहते हैं, बुरे वक्त समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। कहा गया है, अगर आप मुसीबत में फंसे हैं और आपको आसपास कोई नहीं है, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अकेले हैं, नहीं दोस्तों, भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में आता है, और आप अगर जो अच्छे काम कर रहे हैं तो वह भगवान आपको इंसानों के ही नजर में आता है, क्योंकि वह किसी रूप में आ सकता है, और जो इंसान आपको अजनबी बन के आपका सहायता करे आप जान लीजिए कि भगवान ने उसे भेजा है, क्योंकि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो भगवान ही ऐसे चीज हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। अगर वो है आपको अकेला छोड़ दे, आपके घर परिवार ने आपको छोड़ दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर के लोग हमें बहुत प्रिय हो जाते हैं और अपने ही लोग दिल से उतर जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि जगह जगह तुम्हारी बिना निंदा होने लगी है, और मैं जवाब में कहता हूं कि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो बस तरीके होती है। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारे इंसानों को देखा होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए, और वहीं बगल में आपने बुरे इंसानों को देखा होगा जिन्होंने हमेशा बुराइयों का ही साथ दिया। कहते हैं ना लोग, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको मरने के बाद भी लोग तारीफ करेंगे कि वह कितना अच्छा था, और अगर बुराइयां करेंगे तो जीते जी भी आपका तारीफ नहीं कोई करेगा, और मरने के बाद लोग यही कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया। इसलिए दोस्तों, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए और हमेशा अच्छी कामों को ध्यान में रखना चाहिए, बुरे कामों को नहीं करना चाहिए। महादेव कहते हैं, किसी को रुलाकर आज कोई न हंस पाया, किसी को रुलाकर कोई आज तक हंसी नहीं पाया, यह विधि का विधान जिसे आज तक कोई न समझ पाया। कहते हैं लोग, जो दूसरे को रुलाकर आनंदित होते हैं वह कभी खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि आप दूसरों को दुख देंगे तो भगवान आपको दुख देगा, भले वह इंसान आपको दुख नहीं दे सकता,
लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। इसीलिए दोस्तों, आप अगर बुरे काम कर रहे हैं तो आज से अच्छाई अपनाइए, क्योंकि अच्छाई ही ऐसा रास्ता है जो आपको मंजिल तक ले जा सकता है। बुराई का कोई ऐसा रास्ता नहीं जो आपको अच्छाई तक ले जाए। अगर आप बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो आपको बुरा ही वक्त मिलेगा, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आएगा तो आपको ही समझ में आएगा कि हमने ये क्या कर दिया। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मेरा यही समझाना है कि आप अगर बुराई काम कर रहे हैं तो आप जल्दी अच्छाई काम करें। महादेव कहते हैं, प्रशंसा चाहे जितने भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अक्सर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। कहते हैं ना लोगों कि अगर आप इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं तो वह इंसान चाहे तो आपके साथ बुरा कर सकता है। अगर आप उस इंसान की प्रशंसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर उस इंसान के लायक नहीं है तो प्रशंसा करिए, क्योंकि अगर आप प्रशंसा करेंगे तो उस इंसान को लगेगा कि आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप प्रशंसा से ज्यादा अपमान उसको कर दें तो वह आदमी के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत हो जाएगा, और वह आदमी आपसे बदला चुकाने के लिए हमेशा टाइम का इंतजार करेगा। अगर टाइम मिलने पर वह आपसे बदला भी निकालेगा और आपको निंदा भी करेगा। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप अपमान ना करें किसी का, क्योंकि अपमान आप करेंगे तो आपके साथ भी अपमान से ज्यादा अपमान होगा। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छे रास्ते पर चलिए। महादेव कहते हैं, बाहर के चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर आप ठान लेते हैं तो जीत होती है, वरना मान लेते हैं तो हार होती है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, अगर मन में ये शंका रहेगा कि हम हार जाएंगे तो वह कभी नहीं जीत सकता। अगर आपके पास बड़ी से बड़ी चुनौती आ रही है, उसका सामना करिए, क्योंकि जो इंसान सामना करने की क्षमता रखता है वही जीवन में सफलता तक पहुंचता है। जो इंसान सफलता का धैर्य ही नहीं रखता, वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, जो अपने आप पर विश्वास रखता है उस पर भगवान भी अपनी कृपा बरसाते हैं। जो कोशिश ही नहीं करेगा उसका जीत क्या होगी। कहा गया है दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा ठान लेना चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं उस काम में आप जरूर सफल होंगे। महादेव कहते हैं, हैसियत का कभी अभिमान मत करना, हैसियत का कभी अभिमान मत करना, उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। कहा गया है ना दोस्तों, अगर आप कितना भी घमंडी हैं, कितना भी बुरे इंसान हैं, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन वह आपको जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी चीज है जिन्हें अच्छे बुरे कर्म का फैसला करना होता है। कहा गया है ना दोस्तों, अगर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो उसे जमीन पर आना ही होता है। भले वह आसमान की सैर करती है, लेकिन एक वक्त आता है जब वह जमीन पर आती है, वो भी क्या, खाना लेने के लिए। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि आप घमंड में आकर इतना भी गुरूर मत करिए कि आपको आपसे छोटे वाले आपकी हमेशा निंदा करते रहे। इसीलिए दोस्तों, आप हमेशा मिलजुल कर रहे। महादेव कहते हैं, उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर कोई आशिक नहीं होता। महादेव ने एक अच्छी प्रेरणा दी है कि जो लोग गरीब होते हैं उनके कुछ बच्चे होते हैं, उन बच्चों पर 5-6 साल होते ही जिम्मेदारियों का बोझ शुरू हो जाता है, क्योंकि माता पिता के गरीब होने के कारण वह कुछ कर नहीं पाते हैं और रातों रात ठान लेते हैं कि मेहनत करेंगे, जीतेंगे, और वह जिम्मेदार लड़का एक दिन जीत भी जाता है, वह अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है ना कि किसी के चेहरे को देखकर, किसी के औकात को देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात में जगने वाला हर कोई गलत काम ही नहीं करता। बहुत ऐसे लोग हैं
जो रात में जगकर अपने भविष्य बनाता है। दोस्तों इसीलिए आप भी किसी की बुराई ना करें कि रात में जाकर क्या करता है। आप भी अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो रातों में जाइए, मेहनत करिए। महादेव कहते हैं, आज पापा की यह बात समझ आती है जब वह कहा करते थे कि बेटा जब तुम खुद कमाओगे तब तुम्हें पैसे की कीमत मिल सकेगी। इंसान जब छोटा होता है बालक के रूप में, वह इंसान पैसों की कीमत नहीं सोचता है और वह इंसान अपने फादर माता पिता को हमेशा अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगता है। इंसान पैसों की कीमत तब समझता है जब वह खुद कमाना पड़ता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है अगर दुनिया में ना रहे तो एक दूसरे को लोग भूल जाते हैं। पैसे पर आपके रिश्तेदार भी बदल जाएंगे, पैसे पर आपका भाई बदल जाएगा। बस आप अच्छे कर्म करिए, पैसों की लालच में ज्यादा ना पड़िए, क्योंकि पैसा तो है लेकिन जीवन अच्छाइयां बुराइयां भगवान देता है। इसीलिए दोस्तों आप अच्छा ही कर्म कीजिए, पैसा के पीछे आप इतना ही भागिए जितना आपकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा लालच करेंगे तो लालच बुरी बला होती है और जब लालच बुरी बला हो जाएगी तो आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों पैसों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, अपने हिसाब से जरूरत के हिसाब से पैसों के पीछे भागना चाहिए। महादेव कहते हैं, कहने को तो बहुत अपने होते हैं, कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब मन में उदास तब कोई पूछने वाला नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम नहीं मिलता है तो हम उदास हो जाते हैं। उदास होते समय हमें पूछने वाला भी कोई नहीं होता कि क्यों उदास हो। कहा जाता है वक्त ही ऐसा है कि वक्त वक्त पर क्या क्या करा सकता है आप उसका अंदाजा कभी नहीं ला सकते। वक्त वक्त पर तो रिश्तेदार बदल जाते हैं, घर परिवार बदल जाता है, तो उदासी क्या है। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, इसीलिए अच्छाई हमेशा बने रहनी चाहिए। महादेव कहते हैं, अगर आसमान से आपके रिश्ते मजबूत हैं, अगर आसमान से आपके रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहा गया है अगर आप शुरू से ही अच्छे कर्मों में रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, गरीब परिवार को सहायता करते हैं, तो आपका दुश्मन आपकी बुराइयां करने वाले लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बुराइयां कर लेते वही हैं जिसे आपको जलन होती है कि आपके पास इतना पैसा है आप लोगों को सहायता क्यों कर रहे हैं। जलन उसे कहते हैं जो आपसे जले। इसीलिए दोस्तों दुनिया क्या कहती है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अच्छे हैं, आप अच्छाई पर ध्यान दीजिए और किसी के बातों को मत देखिए। महादेव कहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है लेकिन उसकी नाव भगवान कभी नहीं डूबने देती। कहा गया है ना, सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलोगे तो सच्चा ही मिलेगा। अगर आपने बुराई के रास्ते को चुना है तो कहा गया है बुराई का रास्ता बुराई तक ही ले आएगा, अच्छाई का रास्ता हमेशा उच्च रास्ते तक पहुंचाएगा। इसीलिए दोस्तों आप अगर सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बुराइयां रोकने की जरूर कोशिश करेंगे, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। दोस्तों आप अच्छी कर्मों को करिए, आप अच्छे रास्तों पर चलिए, महादेव हैं जो आपकी सहायता करेंगे और बिल्कुल भी नहीं डरिए, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल रहेंगे। महादेव कहते हैं, बड़ा आदमी हुआ है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा ना महसूस करे। कहते हैं ना लोग, जिनके पास ज्यादा धन होता है उनके सामने अगर छोटे व्यक्ति चले जाएं तो वह उन्हें नहीं समझते हैं। कहते हैं कि तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू मेरे लायक नहीं है, तू मेरे अवकाश से बाहर है। दोस्तों हमें ऐसा कहकर उस इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा अगर करेंगे तो वह इंसान आपकी हमेशा बुरा ही बतियाएगा, कहेगा वह इंसान ऐसा है, वह इंसान अच्छा नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपसे अगर छोटा आदमी आए तो उसको यह न महसूस होने दे कि वह व्यक्ति हमसे छोटा है, बल्कि ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा कि वह आप बराबरी के हैं। इसीलिए दोस्तों कहा गया है ज्यादा पैसों की घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा तो आता है और फिर चला जाता है। महादेव कहते हैं, भगवान से अगर कुछ मांगू तो भगवान को ही मांग लू, जो कि अगर भगवान तुम्हारा हो तो सब तुम्हारा।
महादेव कहते हैं, भगवान से अगर कुछ मांगना है तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, जो आप कर्म करोगे वही भगवान देगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म ही हैं जो इसे भगवान से आपको कुछ भी दिला सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान आपकी बात नहीं सुनेंगे। महादेव कहते हैं, किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को, किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है। महादेव कहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब इंसान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, वह इंसान बहुत निराश हो जाता है और उस इंसान के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, लेकिन उस इंसान को मजबूरन घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ने वक्त भी उसको इज्जत लेनी पड़ती है और वह अपना ही घर बनाने के लिए दूसरों के घर काम शुरू करना देता है, अपने ही परिवार को जोड़ने के लिए अपने आप को छोड़ देता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि आप हमेशा स्ट्रगल करिए, क्योंकि एक समय जरूर आएगा जब आप खुश रहेंगे। इसीलिए दोस्तों आप अगर बाहर हैं तो कभी दुखी मत बनिए। महादेव कहते हैं, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर खुद मुस्कुराते हैं। आपने ऐसे इंसानों को बहुत सारे देखा होगा जो मुंह पर कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और कहेंगे। यह लोग ऐसे होते हैं जो ना तो आपका साथ देते हैं ना ही दूसरों का साथ देते हैं, वह खुद के फायदे में रहते हैं, और ऐसे इंसानों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि यही इंसान है। महादेव कहते हैं, जिसने खुद बुरा समय देखा है वह कभी दूसरों को बुरा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग गरीबी में गुजारा करते हैं, बहुत ही समय बुरा होता है। अगर वह इंसान आपको आपके पास हो तो वह आपको कभी बुरा नहीं कह सकता है, क्योंकि जो इंसान उस समय से गुजर चुका है वह इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आपका भी उसी समय आ जाए, और वह ऐसे ही इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं और सच्चे होते हैं। महादेव कहते हैं, जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दो तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। महादेव कहते हैं कि अगर वो इंसान आपके इतना नजदीक आ जाए जिसे आपको पूरा भरोसा हो, और अगर वही भरोसा आपका तोड़ दे, जब आपके पास वाला इतना भरोसा तोड़ दिया तो आपके दूर वाला भरोसा रखेगा नहीं रखेगा। इसीलिए दोस्तों कहा गया है, अगर पास वाला दिल तोड़ दे तो दुनिया से भरोसा उठ जाता है। महादेव कहते हैं, इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। आप कितना भी अकेले हो आप हमेशा अनिदासी रहेंगे और उदासी फील करेंगे, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो आप हमेशा निराश रहेंगे, और अगर परिवार साथ है आप कहीं पर भी हो आपका हंसी खुशी से जीवन चलता रहेगा, क्योंकि परिवार ही ऐसा है जो मन को बहला देता है और अपने हिसाब से जीना सिखाता है। महादेव कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके आपका ही साथ दे उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना लोगों कि आप अगर जो किसी पर ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं फिर भी वह इंसान आपको साथ दे रहा है, आपके साथ है, आपकी ध्यान रखता है, और उससे ज्यादा आपको कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि वही इंसान है जो बार बार डांटने पर भी आपके साथ है। ऐसे इंसानों का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम ही मिलते हैं। महादेव कहते हैं, दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं, यह हकीकत है जिंदगी की। कहा गया है, दुनिया में आपने बहुत सारे इंसानों को देखा होगा जो आपके भी बात करेंगे, आपकी भी प्रशंसा करेंगे और दूसरों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे इंसान से खतरनाक कोई इंसान नहीं हो सकता है। उन इंसानों से मोल रखिए जो इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं, और यही जिंदगी की सही बात है, क्योंकि इस इंसान से अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए दोस्तों आप ऐसे इंसानों से व्यवहार रखिए जो आपको कभी बुरा भला ना कहे। महादेव कहते हैं, दुनिया के लाखों पेड़ गैलरी की देन है, वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है।
अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए समय आने पर वह फलेगा जल्द। कहते हैं ना लोग, अगर ये आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई चीज असंभव नहीं है जो संभव ना किया जा सके। असंभव एक ऐसा चीज है जिसे लोग संभव बना देते हैं। और आप भी अगर संभव बनाना चाहते हैं तो आप अपने काम पर निरंतर संघर्ष करिए। एक ना एक दिन वो आपको फल मिल जाएगा। और जिस दिन आपका फल मिल गया उस दिन से आपका अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप अगर किसी भी लाइन में हो उस पर ध्यान निरंतर रखिए। महादेव कहते हैं, पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, क्योंकि दुआ वही काम आती है जहां पैसा काम आता है। अगर आपका कोई भी बुरा वक्त आ जाए, आपके पास पैसा ना हो, तो दुआ ही काम आती है। क्योंकि उस वक्त पैसा काम नहीं आएगा, महादेव काम आएंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उस समय महादेव किसी न किसी रूप में आकर आपको संभाल लेंगे। अगर वहीं आपने लोगों को सताया है, बुरे काम किए हैं, दुनिया में बहुत सारे झूठे बोले, आपका कोई काम नहीं आने वाला, आप वहीं पर बिखरे रहेंगे, आपको कोई नहीं उठाने वाला। इसलिए दोस्तों कहा गया है कि पैसे तो सब लोग कमाते हैं, पैसा ऐसा इंसान है जो कमाता नहीं। इसीलिए दोस्तों पैसे कमाओ, साथ में दुआएं कमाओ। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो लोगों की सहायता करो। अगर आपको कम पैसा वाले हैं तो आप भी दुआएं कमाओ। क्योंकि दुआ है ऐसा चीज है जो हमेशा साथ रहती है और आपके जीवन पर कभी खतरा नहीं मरने देती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।